नमस्कार, न्यूज टुडे इंडिया में आपका स्वागत है। मैं जब्बार अली और मेरे साथ है मेरे सह प्रतिनिधि राज शाहनी। अभी हम लोग मौजूद हैं इस्लामपुर सब डिविजन के जो छौसिया है, जो कि इस्लामपुर म्यूनसिपलिटी के अंदर है, उस छौसिया इलाके में। और जहां तक आपको कहें कि आज उत्तर दिनाजपुर या दक्षिण दिनाजपुर कहें तो नॉर्थ बंगाल के लिए एक बहुत ही अच्छा खबर है। वो ये है कि उत्तर दिनाजपुर से पहली दफा कह सकते हैं उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर दोनों जगह से कहे तो नॉर्थ बंगाल के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशी की खबर है। कह सकते हैं कि इसलिए खुशी की खबर है कि पश्चिम बंगाल में पश्चिम दिनाजपुर के जो दो हिस्से उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर एडुकेशन तालीम तरबियत में बहुत ही पिछला माना जाता था, और यहाँ के जो होनहार हैं, यहाँ के जो एडुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, सभी के चाहत था कि वो IAS IPS बने, लेकिन क्रैक करना बहुत मुश्किल था। और इस चैलेंज को सफल करने के लिए कामयाब हुए हैं यहाँ के एक होनहार लड़का, जो IIT कानपुर के एक इंजीनियर भी रह चुके हैं। कह सकते हैं कि इस्लामपुर से पहला IITian है कानपुर के, वो यहाँ मौजूद हैं। प्रिंस, उसके घर हम आ चुके हैं और यहाँ खुशी खुशी के माहौल है। आपको बता दें कि इस वक्त जो क्रैक कर चुके हैं IAS को, वो है प्रिंस, जो कि छौसिया के निवासी हैं। वो दिल्ली में है, लेकिन उनके घर परिवार में एक खुशी के माहौल छाई हुए हैं। उसका ही सीधा सीधा कवरेज आप देख रहे हैं। हम राजशाहनी को कहेंगे उनके घर परिवार से मिलाने के लिए, क्या कहते हैं वो लोग। चलिए सीधा मिलते हैं उनसे। हाँ बोल चुका। सबसे पहले तो आपको बता दें कि यहाँ जो हमारे उत्तर दिनाजपुर के निवासी मोहम्मद मंजर हुसैन अंजुम प्रिंस, जो कि छौसिया के निवासी हैं, जो कि फर्स्ट एवर IAS ऑफ डिस्ट्रिक्ट और ऑल्सो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट के हैं, हमारे उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर के, उनके परिवार में खुशी की माहौल छाई हुई है और यहाँ सबको ही कंग्रेचुलेट करने के लिए उनके यहाँ आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे उनसे, जो कि उनके मम्मी हैं, उनसे बात करेंगे। आपका शुभ नाम? निगार सुल्ताना। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर, जो कि तालीम तरबियत में सबसे पिछड़ा एक डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, वहां से आपका बेटा पहला IITian कानपुर के एक स्टूडेंट बने और बाद ही सबके मतलब सबको खुशी दिलाने का एक खबर दिए कि IAS पहला IAS है उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर के। कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत खुशी महसूस हो रही है। मतलब हम सोच ही नहीं सकते थे कि मेरा बेटा इतना मतलब अच्छा कर पाएगा। बहुत मतलब गर्व महसूस कर रहे हैं अपने बच्चों में। मेरे हस्बैंड का बहुत ख्वाहिश थे कि मेरे बच्चे कुछ करे, मतलब अच्छा, मतलब उनको ख्वाहिश थी कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा करे, बहुत नाम करे। अब उनको ये रखते हुए हम कोशिश की है अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का, और मेरा बच्चा मेहनत भी बहुत किया है। वो बच्चा मेरा बहुत मेहनती है, बचपन से ही वो बहुत मेहनती है। जो ठान लेता है वो मतलब करता भी था और करके दिखाया भी, बहुत गर्व महसूस करते हैं। एक सवाल पूछेंगे, खास करके जब घर में जो गार्जियन जिसे कहते हैं वो ना रहे, तो एक बच्चा का परवरिश करना बहुत ही मुश्किल बात होती है, और वहाँ आप एक मतलब कह सकते हैं कि एक गार्जियनलेस एक महिला होके आज इस्लामपुर को, पूरे उत्तर दक्षिण दिनाजपुर को एक प्राउड मोमेंट, एक खुशी का मोमेंट दिए। और जहाँ तक हम जानते हैं कि यहाँ के जो मौजूदा मिनिस्टर हैं गुलाम रब्बानी साहब, ये आपके रिश्तेदार में से हैं, ऐसा जानते हैं, और उनका बहुत सहयोग रहा होगा, ये हम जानते भी हैं। और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि रब्बानी साहब जब भी कहीं स्टेज पर भाषण देते हैं तो कहते हैं कि लड़कों का हौसला बुलंद करने के लिए कहते हैं कि IAS IPS पहले बनने का कोशिश करो, क्या कहेंगे? वो उनको भी बहुत ख्वाहिश थी, मतलब हमेशा से वो मतलब वो भी गार्जियन के तौर से बहुत लग के रहे, बहुत ध्यान भी रखे मेरे बच्चों का, उनके पापा के नए मतलब नए इसमें नए रहने के इसमें, और बहुत लग के रहे सब। मेरे भाई सब भी जो मेरे परिवार के हैं, सब सबको ही रहे, मतलब सबको हमको हिम्मत भी दिया। एक सवाल ऐसा रहा कि जैसे कि हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन है, आप एक ऐसे पॉलिटिकल परिवार से बिलोंग करते हैं जो कि बिहार के हैं, रहनुमे हैं, लेकिन उस परिवार से
बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो कि एक सोशल वर्कर हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, मिनिस्टर्स हैं, उन घर परिवार से हैं, तो उन लोगों को आज इस खुशी के मौके पर कितना खुशी हुआ होगा, क्या कहेंगे, कितना सपोर्ट रहा उन लोगों का? सबका सपोर्ट रहा है, सबको बहुत खुशी है, सब हमेशा से उन लोगों को बहुत वो किया है, आगे बढ़ने का बोला भी है, बहुत अच्छे से करो, क्रश किया है, आईएएस क्रश किया है। इस खुशी के मौके पर पूरे आवाम को, कहें तो जो मजहबी लोग हैं या जो होनहार लड़के हैं, उन लोगों को क्या कहेंगे, एक माँ होने के नाते उनको बस यही कहेंगे, सब बच्चों को कहेंगे कि अपने माँ बाप का मतलब ख्याल रखते हुए बच्चों को मेहनत करना चाहिए, और मेहनत अगर करे तहे दिल से तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकता है। और माँ बाप तो कोई भी माँ बाप नहीं चाहेंगे कि मेरा बच्चा नहीं करे, हर माँ बाप जो अमीर भी होते हैं, गरीब भी होते हैं, सब चाहते हैं कि मेरे बच्चे के पीछे हम करें और बच्चा मेरा कुछ बने, सबको ख्वाहिश होती है। आज आपके परिवार में यहाँ ये खुशी की खबर पहुँचने के बाद आपके रिश्तेदार में से कौन कौन आए हैं? मेरा भाई है, मेरे यहाँ यहाँ के ससुराल के मेरे सब कोई है, पूरा गांव आए थे, सब मतलब तब से ही सब फोन कर रहे हैं, सब बधाई भी दे रहे हैं, बहुत लोग आए भी गए भी बधाई देके। मेरी बहन है, गुलाम रब्बानी की मिसेज है, और ये मेरा भाई है, हमसे छोटा है, और बाकी सब मेरे हम सबसे बात करेंगे। बहुत सब बहुत बधाई हमारे न्यूज स्टूडियो इंडिया की तरफ से आप सभी को, पूरे परिवार को बधाई। हम बात करेंगे मिसेज ऑफ मिस्टर गुलाम रब्बानी, सबसे पहले तो न्यूज स्टूडियो इंडिया में आपका स्वागत है। एक बात कहेंगे कि अपनी बिरादरी में जब कोई लड़का कामयाब बने तो बहुत खुशी की माहौल बन जाती है, और आज देखते हैं कि मिनिस्टर साहब ये जो कि आपके कह सकते हैं बेटर हाफ है, वो सभी जगह में जब भी बात करते हैं तालीम तरबियत का, तो लोगों को ये हौसला अफजाई करते हैं बच्चों को कि टारगेट बहुत ऊंचा रखो, आईएएस आईपीएस बनो, और आज उनके खानदान उनके परिवार में से ही एक आईएएस बन गए। प्रिंस क्या कहेंगे? बिल्कुल रब्बानी साहब, हमेशा से ही उनको बहुत उम्मीद थी, ये बच्चा जो मंजर हुसैन अंजुम है वो बचपन से ही बहुत मेहनती है, और हर जगह स्कूल हो कॉलेज हो हर जगह वो टॉप ही किया है जी। तो एक उम्मीद तो थी, पहले वो आईआईटी इंजीनियरिंग किया, वो जॉब भी किया, लेकिन उसके खालू हैं रब्बानी साहब, उन्होंने उनको इनकरेज किया कि नहीं तुम्हें आईएएस करना है, और उसने उस चीज़ को आज साबित करके दिखाया कि नहीं, जो मेहनत करे मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, और सब माँ बाप और रिश्तेदार सबकी दुआएं और उसकी मेहनत और डिटर्मिनेशन जो है उसका, जो हार्ड वर्क है, आज उसका ही रिजल्ट है कि वो आज आईएएस ऑफिसर बन गया, तो ये बहुत खुशी की बात है। जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि रब्बानी साहब मदरसा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो तालीम तरबियत से जुड़े डिपार्टमेंट का एक मिनिस्टर हैं, उनके अहलिया होने के नाते आप आज के समाज के जो बच्चे हैं, खास करके इस कोविड सिचुएशन में जो पढ़ाई से बहुत दूर चल चुके हैं, उन लोगों को क्या वार्ता दीजिएगा? बिल्कुल, बस चाहे कोविड हो चाहे कहीं भी, पढ़ाई कहीं भी दूर नहीं रहता है बच्चों से, जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं वो हमेशा पढ़ाई करते हैं, चाहे वो घर के अंदर हो या स्कूल में हो, मेहनत ज़रूर रंग लाती है, हर बच्चे को मेहनत करनी चाहिए, और तहे दिल से अगर मेहनत करे दिल से तो उसका रंग, अल्लाह ताला ने ये भी कहा है कि जो जितना मेहनत करेगा उसका फल वो उतना पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, हम बात करेंगे उनके। हाँ, और एक बार आपको बता दें, और मेरे सहप्रतिनिधि राज शाहनी जुड़ गए हैं, उनसे हम कहेंगे डिटेल से एक बार जानकारी देने के लिए, हमारे जो हिंदी दर्शक श्रोता है, हालांकि हम भी हिंदी में ही आपको ये मैसेज पहुंचा रहे हैं, राज अगर डिटेल्स आप एक बार बता दें, उसके बाद हम फिर बात करेंगे। बिल्कुल सही जब्बर्द, आपको बता दें जो उत्तर दिनाजपुर तथा दक्षिण दिनाजपुर दोनों डिस्ट्रिक्ट में जो है, यह पहली बार है, पहला टाइम फर्स्ट टाइम है जो कोई आईएएस और वो भी डायरेक्ट आईएएस जो है निकल कर आया है। आपको बता दें एक बार पूरा डिटेल जो उनका नाम क्या है जो क्वालिफाई किए हैं, एमडी मंजर हुसैन अंजुम, जिनका घर जो है इस्लामपुर के छसुआ इलाके में है, और आपको बता दें यह जो रैंक किए हैं 125वां रैंक है, और सबसे बड़ी जो बात है डायरेक्ट क्वालिफाई। आपको साथ ही साथ बता दें अगर मुस्लिम कम्युनिटी से शायद वेस्ट बंगाल में यह चौथी बार है कोई स्टूडेंट जो डायरेक्ट आईएएस के लिए क्वालिफाई किया हो, यह पूरे पश्चिम बंगाल में के लिए जो है सबसे बड़ी बात है और खुशी की खबर है। साथ ही साथ बता दें कुछ अपडेट हम लोगों के पास है,
हम लोगों के पास है, जो यह जो है प्रिंस नाम से जाने जाते हैं, और यह इस्लामपुर शहर के साथ साथ पूरे उत्तर दिनाजपुर में जो आज जो शाम को जब से यह खबर आई है, खुशी खबर, उसके आसपास के पड़ोसी हो, उसके परिवार हो, सभी के पास जो है खुशी की लहर जो नजर आई। साथ से सबसे बता दे, यह जो प्रिंस है बचपन से ही पढ़ने में अच्छे थे तथा फिलहाल जो है उनकी स्टडी कानपुर से चल रही थी, और एक बता दे जो जुझारू स्टूडेंट है ये, क्योंकि उनका जो अब्बा थे वो बचपन में ही इंतकाल कर जाने के बाद जो उसको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद जो है उसकी मम्मी तथा साथ ही साथ आपको बना दे जो पश्चिम बंगाल सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं गुलाम रब्बानी साहब, वो भी जो है उसका गार्जियन के तौर पर पूरी तरह से गाइडेंस कर रहे थे, जिसका जो फल है यह सामने नजर आ रहा है। कुछ अपडेट और आपको देना चाहेंगे हमारे जो दर्शक जुने हैं, जो यह फर्स्ट एवर IPIS है जो पूरे उत्तर दिनाजपुर तथा दक्षिण दिनाजपुर में पहली बार ऐसा है जो कोई IAS डायरेक्ट बन के निकल के आया है। साथ ही साथ बता दे, और यह सबसे बड़ी जो बात है वह कि यह जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उनका, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो है कोई स्टूडेंट डायरेक्ट IAS क्वालिफाई किया है, यह सबसे बड़ी बात है। और इस बात को लेकर जो है पूरे इस्लामपुर शहर के साथ साथ उसके जो परिवार के लोग हैं इस वक्त जो है इस्लामपुर शहर में, जो वहाँ पर जो उनका जो घर है वहाँ पर आ पहुँचे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं उनके जो परिवार के परिजन हैं, आसपास के लोग हैं, उसके अंदर जो है खुशी की लहर आ रही है। मैं फिर से एक बार जब्बारदा को बुलाना चाहूँगा, पूरा विषय एक बार फिर से बताइए जो क्या क्या नया विषय है, क्या क्या खास है यह जो IAS पहली बार निकल के आया है उत्तर दिनाजपुर तथा दक्षिण जिलापुर में, तथा आपको बता दे यह सुरजापुरी बेल्ट है, शायद सुरजापुरी बेल्ट में भी जो है पहली बार कोई IAS निकल के आया है। साथ ही साथ हम लोगों ने जानकारी की, न्यूज टुडे की जो टीम है वह जानकारी की, जो किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में भी आज तक कोई डायरेक्ट IAS नहीं क्वालिफाई किए हैं, यह भी एक आप बता सकते हैं। जो पूरा सुरजापुरी बेल्ट है बिहार बंगाल, यह पूरी बेल्ट में पहली बार ऐसा हुआ है जो पहली बार डायरेक्ट क्वालिफाई किए हैं IAS के लिए, जिनका रैंक जो है 125 है। जबरदस्त, आपके पास क्या अपडेट है थोड़ा बताइए। राज, जो इन्फॉर्मेशन वाला आपको बता दें कि आप जानते हैं कि 1951 से पहले ये जो उत्तर दिनाजपुर दक्षिण दिनाजपुर जिला था ये पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के अधीन था, और पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के अधीन होने के नाते यहाँ कम्युनिकेशंस का एक बहुत बड़ा सवाल था, और तभी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है उसके तहत उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर, खास करके इस्लामपुर जो सब डिविजन है, इसको काट करके बंगाल में जोड़ा गया। और जहाँ तक 1951 से आज तक कहें तो ये जो सुरजापुरी बेल्ट, इस सुरजापुरी बेल्ट में ये पहला एक स्टूडेंट है, कहे तो एक एस्पिरेंट है प्रिंस, ये है पहला IAS है। और साथ ही साथ एक इन्फॉर्मेशन हमको अभी भी मिला, हमारे जो मौजूदा DM है उत्तर दिनाजपुर के, उनके बहन भी इस बार के जो IAS एग्जाम है 2020 का, उसमें क्वालिफाई कर चुके हैं। चलिए इस इन्फॉर्मेशन को देते देते हम बात कर लेते हैं, उनके रिश्तेदार में से एक हैं भुट्टू भाई जो यहाँ मौजूद है, उनके मामा रिश्ते में, उनसे बात करेंगे। बहुत बड़ी खुशी की खबर है भुट्टू भाई, और साथ ही साथ कहेंगे कि एक परिवार, जिस परिवार में गार्जियन ना हो, खास करके वालिद ना हो, तो वहाँ बच्चों को परवरिश करना, एडुकेशन देना बहुत मुश्किल बात होती है। जरूर आप लोगों का सपोर्ट रहा होगा सब तरह से रिश्तेदार होने के नाते, क्या वार्ता देंगे, क्या कहेंगे? जी हाँ, ये तो बहुत खुशी की बात है, और हम गर्व करते हैं अपनी बहन पे, जो मेरे बहने भी इंतकाल कर गए उसके बाद भी उनकी जो ख्वाहिश थी, जब प्रिंस IIT कम्प्लीट किया था उसके कुछ दिनों के बाद ही मसले भाई इंतकाल किए, लेकिन जब वो इंतकाल किए उससे पहले उनको लग रहा था, चूँकि उनकी बीमारी ऐसी थी, किडनी फेल्योर था, तो उनको पता था कि हम जाने ही वाले हैं। उनकी एक ख्वाहिश थी कि काश हम जिंदा रहते तो बेटा को IAS बनाते, और आज मेरा सर से ऊँचा है कि हमारी बहन उसमें हमेशा मेरे भांजा के कदम से कदम मिला के चलने में साथ रही, और उसको जब भी ज़रूरत पड़ा ये साथ दी। हम अपने तरफ से, अपने पूरे परिवार के तरफ से, पूरे बिहार के तरफ से, पूरे किशनगंज के तरफ से, हमारे भाई डॉक्टर जावेद MP किशनगंज के तरफ से, उनके वालिद मोहम्मद हसन आज़ाद प्रिंस के नाना उनके तरफ से, उनके नाना मौलवी जमालुद्दीन के तरफ से मरहूम, और पूरे बिहार, पूरे किशनगंज के तरफ से, और पूरे सुरजापुरी बिरादरी की तरफ से प्रिंस को मुबारकबाद देते हैं दिल की गहराइयों से। बहुत बहुत शुक्रिया। हम देखते हैं यहाँ के यंग जनरेशन के कुछ बचे हुए हैं, क्या नाम है आपका? इशिका तस्नीम। अच्छा, आप ये प्रिंस का रिश्ते में क्या लगते हैं? उनकी छोटी बहन है। अच्छा अच्छा, आपका बड़ा भाई जी वो कामयाब हुए IAS में, बहुत खुशी की बात है, खुशी का माहौल है घर में,
ऐसा महसूस हो रहा है? बहुत ज्यादा खुशी हो रहा है और वो हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है और ही इज लाइक अ फादर टू मी. और मम्मी, मतलब मम्मी नहीं होती तो हम लोग कुछ भी नहीं होते, और अभी पापा होते तो बहुत खुशी होती. थैंक यू. देख रहे हैं कि जैसे कि आपको बता दें कि एक परिवार में अगर जो गार्जियन होते हैं, खास करके वालिद होते हैं, वो रह रहते हैं तो एक कहते हैं कि एक अंदेशा रहता है फैमिली में, एक अनसर्टेनिटी रहता है. लेकिन देखते हैं यहाँ इस खुशी के माहौल में अपने पिताजी का जो सपना वो साकार किए, और आप देख सकेंगे कि इस खुशी भरी माहौल में सबके आँख में नमी छाई हुई है, आंसू है, खुशी के आंसू. अल्लाह करे कि इनके जो वालिद है उनको जन्नत नसीब हो और साथ ही साथ उनका जो ख्वाहिश पूरा हुआ, ये खुशी हम सबके साथ अपने सुरजापुरी बिरादरी कहिए या फिर जो आईएएस आईपीएस या फिर आईएफएस के लिए, खास करके जो कंट्री लेवल या स्टेट कह सकते हैं, जो एक कंट्री लेवल यानी स्टेट लेवल छोड़ के ऊंचा दर्जा में जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए हम प्रिंस को एक इंस्पिरेशन बनाना चाहते हैं, इसलिए हमारा एक कवरेज है. और भी यहाँ बहुत सारे हैं, उनसे बात करते हैं. आप तो बड़े भाई होंगे उनके, चचेरा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद साकिब. इस खुशी भरी माहौल में क्या कहेंगे? आज बहुत बड़ी खुशी की बात है, सब वो चाहिए जो कुछ करे, मेहनत करे, और मेहनत का फल आज हम लोगों को देखने को मिला है. बस कह सकते हैं एक रिकॉर्ड है जी उत्तर दिनाजपुर दक्षिण दिनाजपुर के लिए जी. खास करके जैसे कहें वट्टू भाई की सुरजापुरी जो बिरादरी है या बेल्ट है, उस बेल्ट में फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट में क्रैक करना, बहुत मेहनत किया वो, बहुत मेहनत किया. मेहनत रंग लाया. यहाँ देखते हैं और भी बच्चे हैं जो उनके इंस्पिरेशंस को लेने लेके आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे. क्या नाम है आपका? उस्मान रब्बानी. अच्छा, क्या करती हैं आप? मैं अभी क्लास 11th में हूँ. 11th में. हाँ. क्या लगते हैं प्रिंस भाई आपका? वो मेरे कजिन ब्रदर है. कजिन ब्रदर है. क्या लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है, मतलब वी आर सो प्राउड ऑफ हिम एंड उनकी कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन ने उनको आज आईएएस बना दिया है, विच इज अमेजिंग. एंड वो हमारे इंस्पिरेशन है और उनसे हम लोग को बहुत कुछ लर्न करने को मिलता है. सो या, वी आर रियली प्राउड ऑफ हिम. सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट विल बी टारगेट इन द नेक्स्ट टाइम, बिकॉज़ यू आर इन क्लास 11 नाउ? यस, आई एम, दैट इज टू स्टार्ट राइट फ्रॉम नाउ. यस, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट मेडिकल. सो लेट्स सी, इंशाल्लाह आई विल सून क्रैक इट एंड आई विल लुक फॉरवर्ड फॉर एमबीबीएस. प्रिंस ब्रदर विल बी ऑन आईएएस. हाउ मच डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम फॉर लर्निंग? यस, ही हैज ऑलवेज guided us and he will guide us. So yeah, he is an inspiration. So yeah. Oh, thank you very much. There is a little boy. What's your name? I'm Arif Rabbani. What's your relation with Prince? I'm his cousin brother. Yeah. So what do you like to say in this special occasion? So when Prindriya first entered UPSC, I knew he would crack it because whenever I have a conversation with him, it feels like I'm talking to a genius. So he is a genius, of course. And then as the phrase says, hard work pays off, his hard work also pays off. And I got to learn many things from him and he's my idol. Which class you are in now? Class 5. Class 5. Okay, best of luck. Yes, thank you. And I have a chance like Prince. There is another candidate. क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्शा रब्बानी. क्या रिश्ते में क्या लगते हैं? मैं उनकी कजन सिस्टर हूँ. अच्छा, आज प्रिंस भाई आपका आईएएस बन गया सुरजापुर बिरादरी में, क्या कहेंगे? Obviously ये सिर्फ हमारे फैमिली के लिए नहीं, बाकी पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत प्राउड मूवमेंट है. प्रिंस भैया, जैसे बोला जाता है कि सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलता, प्रिंस भैया स्टार्टिंग से बहुत मेहनत किए तभी उनका ये आज अचीवमेंट वो पा सके हैं, और वो अभी सबके लिए रोल मॉडल बन चुके हैं. वो इंस्पिरेशन तो थे ही, अब तो रोल मॉडल बन चुके हैं. और वो जो बेंचमार्क सेट किए हैं, लोग उनके पाथ को पाथ में चलने की कोशिश ज़रूर करेंगे. व्हाट अबाउट यू? आई एम परसुइंग जर्नलिज्म. आई होप कि मैं जर्नलिज्म के फील्ड में भी कुछ अचीव कर सकूँ. थैंक यू. हम सीधा सीधा बात कर रहे थे, देखते हैं यहाँ और भी मेहमान धीरे धीरे आ चुके हैं. मैं राज को एक बार बुलाना चाहूँगा डिटेल्स देने के लिए, क्योंकि और भी मेहमान हैं, उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि एक खुशी भरी माहौल है यहाँ. आपको बता दें राज,
बिल्कुल सही जब्बार्द, आपको फिर से बता दें जो इस वक्त हम लोग आ पहुंचे हैं उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर के जो छौसिया इलाका है उस छौसिया में, और सबसे बड़ी खबर शाम से ही हम लोगों के पास भी आ रही थी, ब्रेकिंग न्यूज आप लोगों को बता दें जो उत्तर दिनाजपुर तथा दक्षिण दिनाजपुर से पहली बार जो है कोई आईएएस के लिए क्वालिफाई किया हो, और सबसे बड़ी जो बात है वह यह कि जो डायरेक्ट क्वालिफाई किए हैं, आपको पूरा विषय एक बार फिर से बता दें, एमडी मंजर हुसैन अंजुम, उनका नाम है एमडी मंजर हुसैन अंजुम, और 125वां रैंक हुआ है उनका। साथ ही साथ बता दें आपको यह पहली बार है जो उत्तर दिनाजपुर तथा दक्षिण दिनाजपुर से कोई स्टूडेंट जो है आईएएस के लिए क्वालिफाई किए हैं। साथ ही साथ यह आपको बता दें जो उत्तर दिनाजपुर दक्षिण दिनाजपुर साथ ही साथ किशनगंज का जो बहुत बड़ा एरिया है यह सुरजापुरी इलाके के अंदर आता है, और सुरजापुरी इलाके से भी जो है यह पहली बार जो है कोई आईएएस निकल के आया है वो भी डायरेक्ट। साथ ही साथ बता दें किशनगंज जिला है बगल में, और किशनगंज जिला ले ले यानी बिहार का बहुत बड़ा अंचल, साथ ही साथ बंगाल का बहुत बड़ा अंचल, तो पहली बार जो है कोई आईएएस के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई किए हैं, और इस बात को लेकर शाम से ही जो है उनका घर जो है छौसिया में, यहाँ पर जो उसके आत्मीय परिजन सभी आ रहे हैं तथा उनको जो बधाई दे रहे हैं, उनकी जो अम्मी है उनसे भी हम लोगों ने बात की, हमारे सह प्रतिनिधि जब्बार अली ने बात की, तथा साथ ही साथ बता दे उनके और जो रिलेटिव्स हैं सभी इस वक्त जो है उनके वास भवन में आ पहुंचे हैं, और सबसे बड़ी जो बात है यहाँ पर जो राज्य के जो मंत्री हैं कैबिनेट मिनिस्टर हैं गुलाम रब्बानी साहब, उनके जो गाइडेंस में जो है यह जो प्रिंस है जो आईएएस क्वालिफाई किए हैं वह पूरी तरह से गाइडेंस में थे, और साथ ही साथ बता दें रब्बानी साहब भी टीचर हैं तो उनको जो है एक लड़के के तरह ही बचपन से जो है गाइडेंस कर रहे थे, यह जो है जानकारी आई है हम लोगों के पास। साथ ही साथ बता दें जो इस खबर पाते ही जो है अधिक फोन हम लोगों के पास न्यूज टुडे के पास पूरे उत्तर दिनाजपुर, आपको बता दे रायगंज हो करंदगी हो चाकुलिया ब्लॉक हो ग्वालपुकुर ब्लॉक हो चोपड़ा ब्लॉक हो हर जगह से जो है इस विषय को कंफर्म करने के लिए एकाधिक फोन कॉल्स हमारी जो टीम है उनके पास आती है। उसके बाद हमारे जो चीफ एडिटर हैं वह पूरी जानकारी संग्रह करते हैं, उसके बाद जो है इस वक्त जो है हम लोग उनके जो वास भवन है वहां पर आ पहुंचे हैं, और इस खबर को लेकर आपको बता दे उसके परिवार और आत्मीय परिजन में ही नहीं बल्कि पूरे इस्लामपुर शहर में जो है एक खुशी का माहौल छा गया है। साथ ही साथ उत्तर दिनाजपुर जिले में आप रायगंज बोलिए करंदगी बोलिए चाकुलिया बोलिए ग्वालपुकुर बोलिए चोपड़ा बोलिए हर जो एरिया है इस सब जगह पर जो है पूरी तरह से एक खुशी की लहर दिखाई दे रही है। मैं फिर से एक बार मैं हम लोगों के जो बंगला दर्शक हैं उनको पूरी जानकारी देने के लिए मैं जब्बारदा को अनुरोध करूंगा को पूरा विषय को एक बार बंगला में आप अनुवाद कर दे, उसके बाद फिर से हम लोग उनके जो रिलेटिव्स हैं आसपास के लोग हैं उन लोगों से हम लोग वापस बात करने की कोशिश करेंगे। ধন্যবাদ রাজ। যারা বাংলা দর্শক শ্রোতা আছেন তাদের জন্য জানিয়ে দিই যে আমরা প্রতিবেদনটা হিন্দিতে শুরু করেছিলাম কারণ একটা অল ইন্ডিয়া বেসিস পরীক্ষায় প্রিন্স ওরফে যেটা আমরা জানি মিস্টার মঞ্জার হোসেন যিনি প্রথম ইসলামপুর বা উত্তর দিনাজপুর আছে কানপুর আইআইটিএন তাদের মধ্যে অন্যতম ইঞ্জিনিয়ারিং করার কমপ্লিট করার পরেই ঠিক যেমনটা তার পরিবার থেকে আমরা হচ্ছে জানতে পারি যে তার পিতা স্বর্গত হন তিনি হচ্ছেন মারা যান এবং তারপরেই পুরো দায়িত্ব তার মায়ের উপরে এসে পড়ে এবং এই প্রিন্সকে নিয়ে তার বাবা যে দীর্ঘদিন স্বপ্ন দেখতেন যে তার ছেলে ইঞ্জিনিয়ার নয় বরং একজন সরকারি সেবক হোক একজন আইএএস হোক আইপিএস হোক সেই স্বপ্ন কিন্তু তিনি রেখে গিয়েছিলেন আর আজ সেই খুশির খবর যে সেই মঞ্জার হোসেন অঞ্জুম ওরফে প্রিন্স যিনি ইসলামপুর শহরের মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত ছৌসিয়া যে এলাকায় সেই ছৌসিয়া এলাকার বাসিন্দা সেখানকার উত্তর দিনাজপুর জেলার পিছিয়ে পড়া যে ব্লক সেই ব্লকের মধ্যে ইসলামপুর এবং গোয়ালপুকুর পড়ে সেই ইসলামপুর ব্লক থেকে তিনি হচ্ছেন বলতে পারেন যে গোটা সূর্যাপুর যে পরগনা যেটা ছিল পূর্ণিয়া জেলার অধীনস্থ সেই সূর্যাপুর পরগনার মধ্যে প্রথম আইএএস এবং ফার্স্ট চান্সে ফার্স্ট অ্যাটেম্পে সে হচ্ছে সেটা ক্র্যাক করেছে। তার পাশাপাশি যেটা আপনাদের জানিয়ে দিই আমাদের কাছে যা তথ্য আছে আমাদের রিসার্চ টিমের কাছে যে পশ্চিমবাংলার মধ্যে ওয়েস্ট বেঙ্গলে হচ্ছে তিনি ফোর্থ হচ্ছে মুসলিম বা মাইনরিটি আইএএস অফিসার হলেন এমনটাই কিন্তু এবং ডাইরেক্ট আইএএস হলেন। তার পাশাপাশি আপনারা আপনাদের জানিয়ে দিই মঞ্জার এর বা প্রিন্সের হচ্ছে যে অল ইন্ডিয়া র্যাঙ্কিং সেটা হচ্ছে যথেষ্ট গর্বের গোটা উত্তরবঙ্গবাসীর জন্য সেটা হচ্ছে তার র্যাঙ্ক হচ্ছে 125 অর্থাৎ 125 হচ্ছে তার র্যাঙ্ক। স্বভাবতই এই সর্বভারতীয় একটা স্তরের পরীক্ষাতে এই মফস্বল শহর ইসলামপুর থেকে ক্র্যাক করা যথেষ্টই চ্যালেঞ্জের ছিল। স্বাভাবিকভাবেই এই চ্যালেঞ্জকে তার উত্তরসূরিরা তার পাশাপাশি তার পরিবারবর্গ এবং পাশাপাশি ইসলামপুর শহরের যারা
মেরিটোরিয়াস এবং জিনিয়াস স্টুডেন্টস আছে তারা এটাকে ইন্সপিরেশন হিসাবে ধরছে, এবং পাশাপাশি আমরা এখানে ছোট ছোট যারা স্টুডেন্ট ছিল যারা আছে অ্যাসপিরেন্টস আগামী দিনের, তারা কিন্তু এটাকে তাকে বলছে সে হচ্ছে আমাদের জন্য রোল মডেল। এভাবেই অনেক প্রিন্স উঠে আসুক রোল মডেল হিসাবে। তার আগে এখানে যারা দু একজন আছেন তাদের সঙ্গে আমরা কথা বলে নেব। এখানে আরেকজন হচ্ছেন, কি নাম আপনার? আমার নাম রফিক। আচ্ছা, আপনি এখানকার বাসিন্দা? জি। আচ্ছা, কেমন লাগছে এখান থেকে প্রথম আইএস? খুব ভালো লাগছে আমাকে। ঠিক ঠিক, ধন্যবাদ। আমরা আরো দেখছি দু একজন রয়েছে তার সঙ্গে কথা হলো। আপনি তো এলাকার বাসিন্দা, কি নাম আপনার? আমার নাম মোহাম্মদ ফাসিউজ্জামান, আমি এখানেই বাসিন্দা। আচ্ছা আচ্ছা, আমরা প্রচন্ডই খুশি। আচ্ছা, আমার আবেগ, মনের আবেগ এবং উল্লাসিত ভাবে, কারণ প্রিন্সের সঙ্গে কিন্তু আমরা ক্রিকেট পর্যন্ত খেলেছি। ঠিক ঠিক, ভালো ক্রিকেট। হ্যাঁ, একদম ভালো ক্রিকেটও খেলতো, আমরা একদম ফুটবলও ভালো খেলতো, আমরা প্রতিনিয়ত আসলে পরে আমরা ওর সঙ্গে খেলতাম। আজকে গোটা উত্তর দিনাজপুর সহ সব জায়গায় যেখানেই যাবেন সবাই খুশি, সবাই উল্লাসিত, আবেগপূর্ণ আজকে সবাই। ঠিক ঠিক, আমরা দেখতে পাচ্ছি আরেকজন দাঁড়িয়ে আছে, কি নাম তোমার? আমার নাম মিনু বেগম। আচ্ছা, তুমি প্রিন্সের সম্পর্কে কি হবে? আমি প্রিন্সের সম্পর্কে ওর ভাবি হব। আচ্ছা আচ্ছা, তো প্রিন্সের খবর শুনে আমরা তো খুব অবাক হয়ে গেলাম যে হয়ে গেছে, অনেক খুশি। এই খুশিতে আমরা আজকে একটু সেলিব্রেশন ইয়ে করতেছি, তো শুনে খুব খুশি হলো। আর এটাই জন্য দোয়া করে যাচ্ছি যে আগে থেকে ইয়ে সাকসেসফুল হতে থাকুক। ধন্যবাদ। আমরা দেখতে পাচ্ছি ইতিমধ্যেই কিন্তু যারা আছেন তারা প্রত্যেকেই হচ্ছে এখানে চলে আসছেন, এবং ইসলামপুর শহরে একটি পরিচিত নাম, অনেকেই কিন্তু শুভেচ্ছার বার্তা নিয়ে তার পরিবারের পরিজনের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছেন। এবং তার পাশাপাশি এই যে একটা সাকসেস গোটা উত্তর দিনাজপুর জেলার জন্য, তাদের জন্য কিন্তু শুভেচ্ছা বার্তা তিনি দিচ্ছেন। এখানে ইসলামপুরের প্রতিষ্ঠিত সমাজসেবী একজন আজাদ ভাই আছেন, তাকে আমরা জিজ্ঞেস করে নিই। প্রথম উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুরে বলতে গেলে সূর্যাপুরী বিরাদরিতে প্রথম আইএস প্রিন্স, কি বলবেন? আল্লাহর বহুত বহুত শুক্রিয়া। আর এর পিছনে আমাদের সবচেয়ে বেশি যদি কারো অবদান থেকে থাকে, আল্লাহর পরে ওনার মার কথা বলবো, ওনার রিলেটিভসের মধ্যে বিশেষ করে আমাদের রব্বানি সাহেব, মিনিস্টার রব্বানি সাহেব, ওনার মিসেস বা ওনাদের পরিবারের আরও লোকজনরা, আর মানে অলসো এই ফ্যামিলি যারা আছেন, যারা ওয়েল উইশার, তাদেরও অনেকটা কন্ট্রিবিউশন রয়েছে। কিন্তু ছেলেটার একটা যে একটা বলে যেটাকে উর্দুতে বলি আমরা জুনুন, ওই জুনুন ছিল বলে ওই ইয়েটা ছিল, ওই মানে কী বলবো, একটা কিউরিওসিটি বলেন, আগ্রহ বলেন, ওটা ছিল বলে ছেলেটা আজকে একটা অ্যাচিভ করতে পারলো। একটা বিষয় আজাদ আপনাকে জিজ্ঞেস করব, আমরা যতদূর জানি, যেহেতু আমিও নিজেও টিচার প্রফেশনের সঙ্গে যুক্ত বা যে ইনস্টিটিউশনে মঞ্জের পড়াশোনা করেছে তার সঙ্গে আমি যুক্ত ছিলাম, যেমনটা জানি যে ইসলামপুরের মতো জায়গায় একটি ইনস্টিটিউশন থেকে পড়াশোনা করেও আইএস হওয়া যায়, এটা কিন্তু বাস্তব করলো প্রিন্স। ইয়েস ইয়েস, এটা মানে এই ছোট জায়গা থেকে একটা এত বড় একটা নাম উঠে আসলো, এটা আমাদের মানে যেটাকে বলবো গর্বে একেবারে মন ভরে গেছে। অনেকে অনেক রকম মানে বার্তা দিচ্ছে, অনেক রকম কমেন্ট করতেছে, মানে ভালো ভালো কমেন্ট যাকে বলে, একদম মানে এই ছোট জায়গায়, এই ইসলামপুরের মতো জায়গায় আমাদের যে ইসলামপুরকে বা যে ছোসিয়া বস্তিকে অনেকে একটু অন্য চোখে দেখে, আমি অন্য চোখে দেখে, তা সত্ত্বেও এই জায়গা থেকে এত বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট, এটা আমাদের কাছে বিরাট বড় কথা। আল্লাহর আবার শুকরিয়া আদা করতেছি, আল্লাহ এরকমই আরও ছেলেগুলোকে একটু ইন্সপায়ার, মানে আরও ছেলেগুলো ইন্সপায়ার হোক, আরও আজকে আইএস হয়েছেন, কেউ কেউ আইপিএস হোক, কেউ ডাব্লিউবিসিএস কমপ্লিট করুক। আমরা কিন্তু আরও যারা আছেন তাদের সঙ্গে কথা বলে নেওয়ার চেষ্টা করব। আপনার নাম? নিয়াজ ইমাম। সম্পর্কে কি হন? ভাই। আচ্ছা, ভাই হন আপনি। এই যে আজকে প্রিন্স, যে ছোসিয়ার বলতে গেলে ছোটখাটো একটা বদনাম আছে, সেই ছোসিয়া থেকে আইএস তৈরি হলো, কি বলবেন? এখন তো আমার ছোসিয়া আমার নাম রোশন হয়ে গেছে, পুরো ইসলামপুরের নাম রোশন হয়েছে। কি বার্তা দেবেন প্রিন্সের জন্য, কি বার্তা দেবেন? ও তো বলকা ব্রিলিয়ান্ট ছেলে, সেটা তো বুঝলাম, তাকে কি বলবেন? এক তো দেশের সেবক হলো, আইএস পরীক্ষার মাধ্যমে দেশকে সেবা করতে হবে, দেশের তো কাজ করবেই। আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে পুরো পরিবার এখানে কিন্তু রয়েছে। পর্দা, আমি দুই একটি কথা আরো জানতে চাইবো ডিটেইলে, যে হচ্ছে এই যে প্রিন্স রয়েছে, এই ইসলামপুরে কোন জায়গা থেকে পড়াশোনা করতো, তার পাশাপাশি ওর যে এডুকেশন লেভেল রয়েছে, কোন স্কুল থেকে, প্রাইমারি স্কুল কোথায় থেকে পড়াশোনা করেছে, তারপর হাই স্কুল কোথায় থেকে, গ্র্যাজুয়েশন কোথায় থেকে, এই বিষয়টা যদি একবার আমাদের যারা দর্শক রয়েছে, শ্রোতা রয়েছে, তাদেরকে পুরো বিষয়টা যদি জানাও, তার এডুকেশনের বিষয়ে, মূলত কোন কোন বিষয় নিয়ে তিনি পড়াশোনা করতেন, প্রাইমারি সেকশন কোথায় থেকে পড়াশোনা করেছেন, হাই স্কুল কোথায় থেকে পড়াশোনা করেছেন, গ্র্যাজুয়েশন কোথায় থেকে, পুরো বিষয়টা যদি একবার জানাও তাহলে দর্শকরা জানতে পারবে। ঠিক, আমরা অবশ্যই জানাবো, এটা আপনাদেরকে জানিয়ে দিই যে
ইসলামপুরের একটি বেসরকারি স্কুল, প্রথম বলা যেতে পারে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, সেখান থেকে কিন্তু মনজার অর্থাৎ যে প্রিন্সের পড়াশুনো শুরু। এবং তার পাশাপাশি এখানে পড়াশোনা করার পরেই সে হচ্ছে বাইরের আবার বেসরকারি স্কুল থেকে, সেখান থেকে সে হচ্ছে আইএসসি যেটাকে বলে, সেই আইএসসি পাস করে অর্থাৎ হায়ার সেকেন্ডারি কমপ্লিট করে। এবং তারপর সে কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিংকে নিজের জীবনের স্বপ্ন করার জন্য তিনি কিন্তু আইআইটির জন্য প্রিপারেশন নিতে থাকে, মানে যেটা হচ্ছে অল ইন্ডিয়া বেসিস ইঞ্জিনিয়ারিং, সেখানে হচ্ছে আইআইটি কানপুরে সে ভর্তি হয় যেমনটা আমাদের কাছে তথ্য আছে। এবং সেই আইআইটি কানপুরে সে হচ্ছে ভর্তি হওয়ার পরে সেখান থেকেও সাকসেসফুল হয় এবং সে চাকরিও পায়। ইতিমধ্যে আমরা দেখছি যে মিষ্টি খাওয়ানোর, হ্যাঁ সেটা অবশ্যই চলছে, পরিবারদের মিষ্টি খাওয়াচ্ছে। আমি ক্যামেরা পার্সনকে অনুরোধ করবো, এখানে আজকের যে বিষয়টা হয়েছে, প্রথম আইএএস কোয়ালিফাই করেছে ইসলামপুরের মতো জায়গা থেকে, তারই আনন্দতে তার পরিবারের লোকজন এখানে মিষ্টি খাওয়াচ্ছেন, তারও আত্মীয় পরিজন। তার পাশাপাশি আমি ওজাপাদা আরেকটা বিষয় জানতে চাবো, এই যে প্রিন্স রয়েছে ইসলামপুর, আমরা জানি যে উত্তর দিনাজপুর দক্ষিণ দিনাজপুর এই দুটো ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশনের দিক থেকে অনেকটা পিছিয়ে পড়া ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে গোনা যায়। তো আমি জানতে চাইবো এই ডিস্ট্রিক্ট থেকে একটা আইএএস বেরিয়ে এসেছে, সেটাও ডাইরেক্ট কোয়ালিফাই করেছে, যারা দর্শক রয়েছে, শ্রোতা রয়েছে, যারা স্টুডেন্ট রয়েছে, উত্তর দিনাজপুরের বাসী তথা দক্ষিণ দিনাজপুরের যারা জনসাধারণ রয়েছে, তাদের উদ্দেশ্যে কী বলবা যে এই যে এরকম যেগুলো জায়গাগুলো পিছিয়ে পড়া জায়গা সেইখান থেকেও আইএএস কোয়ালিফাই করছে, এই বিষয়টা একটু দর্শকদের জানাও। দেখো রাজ, একটা বিষয় হচ্ছে তোমাকে বলি যে অধ্যবসায় যেটাকে বলে, এবং তার পাশাপাশি হচ্ছে যে কথাটা তুমি একটু আগে শুনলে প্রত্যেকের মধ্যে উর্দুতে যে কথাটা বলে সেটা হচ্ছে জুনুন, সেই জুনুনটা যদি কারোর মধ্যে থাকে, এবং পাশাপাশি পড়াশোনাতে শুধু মেরিটেরিয়াস হলে হবে না, তার পাশাপাশি সেই মেরিটটাকে কাজে লাগানো, এটাকে হচ্ছে সঠিকভাবে ইউটিলাইজ করা, সেটা কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। তুমি দেখবে আমাদের সমাজে এমন অনেক ছেলেপেলে আছে যারা পড়াশোনায় যথেষ্ট ভালো, তারা একটা নির্দিষ্ট জায়গা বা লেভেল অবধি পৌঁছে গিয়ে তারপরে কিন্তু ডাইভার্ট হয়ে যায়, এবং তারপরে হচ্ছে পড়াশোনায় যে বুদ্ধিটা লাগানোর কথা বা ইন্টেলিজেন্সটাকে লাগানোর কথা সেটা অন্য পথে লাগিয়ে যায়, এবং সেখান থেকে আমরা দেখতে পাই যে সেখান থেকে কিন্তু অনেকে অনেক খারাপ জায়গাতেও চলে গেছে। সেই জায়গাতে দাঁড়িয়ে এই যে চ্যানেলাইজ করার ব্যাপারটা, অর্থাৎ এডুকেশন যেটা হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে যে ঠিক যেমনটা বিবেকানন্দ বলেছেন, এডুকেশন ইজ দ্য ম্যানিফেস্টেশন অফ পারফেকশন অলরেডি ইন ম্যান, তাকে ম্যানিফেস্ট করতে হবে, সেই পারফেকশনটা নিয়ে আসতে হবে, তার জন্য কিন্তু প্রপার গাইডেন্স এবং সেই সঙ্গে হচ্ছে সঠিক জায়গায় গাইডেন্স নেওয়াটা একান্তই দরকার। যে পরিবেশটা একটা সময় রাজ ইসলামপুরে ছিল সেই পরিবেশের কিন্তু অনেক উন্নতি হয়েছে, শিক্ষার দিক থেকেও কিন্তু উত্তর দিনাজপুর দক্ষিণ দিনাজপুর পাশাপাশি বলা যেতে পারে ইসলামপুরের যে ব্লক আছে নটি ব্লক, সেগুলো কিন্তু অনেক কিছু হচ্ছে তাকে হচ্ছে এড়িয়েছেন। এবং তার পাশাপাশি যেটা তুমি বারবার শুনেছো যে স্বপ্নটা যদি বড় হয় তাহলে কিন্তু সেই স্বপ্নকে কিন্তু অ্যাচিভ করা যথেষ্ট সহজ হয়ে যায় যদি নিজেদের মধ্যে একটা নিজের মধ্যে নিজের জন্য চ্যালেঞ্জ নেওয়া যায়। ঠিক বলছো জব্বারদা। তার পাশাপাশি আরেকটা যেটা বিষয় হলো, এই যে প্রিন্স রয়েছে তার বাবা ছোটোবেলাতেই হচ্ছে মারা গিয়েছেন, তারপরেও এই যে একটা শুধু মায়ের আন্ডারে, তার পাশাপাশি আমরা যেটা জানলাম যে যে রাজ্যের যে মন্ত্রী রয়েছেন গুলাম রব্বানী সাহেব, তিনিও গাইডেন্স করতেন, একটা বাবা মারা যাওয়ার পর একটা স্টুডেন্টের জন্য এই এত বড় অ্যাচিভমেন্ট, কী বলবে এই বিষয়টাকে যদি দর্শকদের একটু বলো। দেখো ঠিক যেমনটা আমাদের কাছে তথ্য রয়েছে, আমাদের রিসার্চ টিমের কাছে, নিউ স্টুডেন্টের কাছে তথ্য রয়েছে, আমরা যদি দেখি তার হচ্ছে যে বলা যেতে পারে গ্র্যান্ড প্যারেন্টস এবং সেই সঙ্গে হচ্ছে তার যদি তার গ্র্যান্ড প্যারেন্টস বোথ সাইড, একটা হচ্ছে বেঙ্গলের আমরা যেমনটা জানি আছে সেটা হচ্ছে এই যে আমাদের ছোসি এলাকা, এবং তার আরেকটা পার্ট যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে তুমি হয়তো জানবে সেটা হচ্ছে কিষাণগঞ্জ ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে, ঠিক আছে, ঠাকুরগঞ্জ থেকে একটু আগে গুয়াবড়ি একটি এলাকা, যেখানে জানো যে তাদের হচ্ছে যে প্যারেন্টাল ব্যাপারটা যেটা রয়েছে অর্থাৎ তার নানার বাড়ি যেটা বলা যেতে পারে সেটা হচ্ছে আজাদ সাহেব, মিনিস্টার সাহেবের নাম তুমি নিশ্চয়ই শুনেছ, সেই পরিবারের একটা অঙ্গ বলা যেতে পারে, তারই হচ্ছে নাতি, সেই নাতি, এবং তুমি জানো যে সেই পরিবার থেকে কিন্তু অনেক পলিটিশিয়ান, এমএলএ, এমপি এবং ডাক্তার তারা কিন্তু বেরিয়ে এসেছেন, হয়তো সম্ভবত আরও তথ্য তুমি জানবে যে ইসলামপুরের যে সমস্ত নামগুলো রয়েছে প্রতিদর্শ নাম, তার মধ্যে আমরা এক এক করে যদি বলতে পারি, খুব গুণাগুণতি নামের মধ্যে মিনিস্টার গোলাম রাব্বানি রয়েছেন, তার পাশাপাশি ডক্টর হাসিবুর রহমানের নাম নিশ্চয়ই তুমি শুনেছ, এবং তার পাশাপাশি হচ্ছে প্রফেসর সালাউদ্দিন ছিলেন যিনি প্রয়াত হয়েছেন সাম্প্রতিককালে, এবং জিনিয়াস, এরকম ধরনের কিছু লোক কিন্তু তাদের আত্মীয়তার মধ্যে রয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই এই পরিবার থেকে আইএস হওয়ার জুনুনটা থাকা খুব স্বাভাবিক বিষয়। আর আমি জব্বারদা আর একটা বিষয় জানতে চাচ্ছি যে স্টুডেন্ট দু রকমের হয়, এক হচ্ছে ছোটোবেলা থেকে ব্রিলিয়ান্ট, আর একটা হয় যে ছোটোবেলা থেকে খুব বেশি ব্রিলিয়ান্ট না হলেও এইচএসএ কিংবা গ্র্যাজুয়েশনের পরে ডাইরেক্ট কিংবা, এই যে আমাদের যে প্রিন্স রয়েছে এর ছোটোবেলা থেকে কীরকম কী রেজাল্ট ছিল, কীরকম কী ছিল, নাকি পরবর্তীকালে গ্র্যাজুয়েশনের পরে বেশি লেবার দিয়ে এই জায়গায় কোয়ালিফাই করলো, এই বিষয়টা যদি একটু জানিয়ে রাখো। বিষয়টা যেটা আমি যতদূর জানি, যেহেতু আমি টিচিং প্রফেশনের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত,
আমরা শুনেছি আপনার আপনি যেখানে প্রিন্সিপাল ছিলেন ওই স্কুলে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই বিষয়টা ঠিক। একটি বেসরকারি স্কুলে আমি সেখানে হচ্ছে দায়িত্বে ছিলাম, সেই সময় হচ্ছে প্রিন্সিপাল সেখানে এন্ট্রি। আমরা শুরু থেকে তাকে দেখি যে সে যথেষ্ট হচ্ছে কনফিডেন্ট স্টুডেন্ট যাকে বলে সেটা ছিল, এবং তার পাশাপাশি সে হচ্ছে সেখানে হচ্ছে যথেষ্ট কনসিস্টেন্টলি তার কোনো কোয়ারিজ থাকলে সে টিচারকে করা, এবং ফ্রেন্ডলি একটা এনভায়রনমেন্ট টিচারদের সঙ্গে তৈরি করে নেওয়া এমন একটা ব্যাপার, এবং কোনো একটা কনফিউশন থাকলে ডাউট ক্লিয়ারিং সেখানে অন দ্য স্পট করে নেওয়া এটা, এবং কনসিস্টেন্সি যেটা বলি আমরা যে প্রিন্সকে যতটা আমরা হচ্ছে দেখেছি আর কি। পরবর্তীতে যদি আমি অন্য জবে সুইচ ওভার করি তার আগে আমরা যতটা দেখেছি যে তার মধ্যে একটা কনসিস্টেন্সি ছিল, এবং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সে কিন্তু যথেষ্টই ভালো রেজাল্ট করে এসছে, এবং পাশাপাশি তার মার্কশিটগুলি তুমি দেখো সেখানে দেখতেই পাবে যে একটা সুন্দর রেজাল্টের প্রতিফলন কিন্তু রয়েছে। তো এরকম পরিবার থেকে সব থেকে বড় কথা হচ্ছে এটা বড় কথা নয় যে সে কত ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট, কারণ ভারতবর্ষে অনেক ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট আছে যারা হয়তো আইএস ক্র্যাক করতে পারেনি, কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে কনসিস্টেন্সি। এবং তার পাশাপাশি একটা তোমাকে যেটা বলবো যে আমাদের এই উত্তর দিনাজপুরের পিছিয়ে পড়া যে এলাকা, বিশেষ করে আমরা এই মুহূর্তে যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখানে একটা মিডিল ক্লাস ফ্যামিলি, সেই মিডিল ক্লাস ফ্যামিলি থেকে আইএস ক্র্যাক করা যথেষ্ট কিন্তু একটা তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। কারণ তুমি মনে করবে এক সময় একটা ধারণা ছিল, যদি আমরা টিভিতে খুব রেয়ার কেসেস দেখি যে খুব ডাউন ট্রোডেন ফ্যামিলি থেকেও আইএস এর মতো প্রফেশনালস বা বলতে পারো যে পার্সোনালিটি উঠে আসছে, কিন্তু মিডিল ক্লাস ফ্যামিলি বিশেষ করে যেটা তুমি জানো, তুমি নিজেও এই এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা এবং সূর্যাপুরি বিনাধরি যেটাকে বলে, অর্থাৎ সূর্যাপুরি ভাষায় যারা আছে আমরা সূর্যাপুরি ভাষায় কথা বলি, তাদের মধ্যে কিন্তু আমরা দেখেছি যে পিছিয়ে পড়ার ভাবটা অনেক বেশি, পড়াশোনার মধ্যে ল্যাগিং বিহাইন্ড হইয়া অনেক বেশি, সেই জায়গায় কিন্তু এই আইএএস ক্র্যাক করাটা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। साथ ही साथ जबरदस्त जो एक विषय हमारा हमारे जो दर्शक हैं न्यूज़ टुडे के वो अवश्य जानना चाहेंगे, यह जो प्रिंस है उनकी हॉबी क्या है, क्या खाना पसंद करते हैं, क्या खेलना पसंद करते हैं, इन सब विषयों को लेकर अगर उनके अम्मी से बात करें जो मूलतः क्या वो पसंद करते हैं, कौन सा सब्जेक्ट उनका अच्छा था, क्या खाना पसंद करते हैं, क्या खेलना पसंद करते हैं, इन सब विषयों को लेकर अगर उनके गार्जियन से हम लोग बात करें। उससे पहले आप दर्शक को एक बार पूरा विषय बता दें जो आज हम लोग इस छोसिया का जो छोसिया इलाका है इस्लामपुर के क्यों आए हैं, कारण से आए, एक बार पूरा रिपीट अगर हमारे दर्शकों को आप दे दें। हाँ बेशक, एक बार आपको दे देते हैं। आखिर में आपको बता दें कि उत्तर दिनाजपुर के खास करके इस्लामपुर के जो मंजर हुसैन अंजुम प्रिंस जो कि छोसिया के निवासी हैं, ये फर्स्ट एवर आईएएस ऑफ डिस्ट्रिक्ट और नेबरिंग जो डिस्ट्रिक्ट है किशनगंज यहाँ के, और ऑल इंडिया में इसका रैंक है 125। ये बहुत ही एक गर्व का बात है और सबसे बड़ी बात है, जैसे कि आप भी जानते हैं कि उनके जो जात बिरादर रिश्तेदार में से हैं वो लोग बता दिए कि वो बहुत ही ज़्यादा क्रिकेट और फुटबॉल के शौकीन थे, और कभी कभी उसको अक्सर देखा गया है कि मैदान में उतर के वो बल्लेबाजी भी किए हैं और फुटबॉल भी खेले हैं। हम उनके मम्मी से थोड़ा बात करने का कोशिश करने के क्या क्या हॉबी था उनका। स्कॉलर में भी तो वो विजय सर थे और संतोष सर थे, प्रदीप सर, सारे टीचर उनके मतलब उनका फेवरेट था। हाँ सर, स्टूडेंट फेवरेट था। मैडम एक विषय जिज्ञेस करबो, एक बात पूछेंगे, प्रिंस का पसंदीदा खाना क्या था? उसका पसंदीदा खाना वो बिरयानी बहुत पसंद उसको, और बचपन से उसको अंडा ज्यादा पसंद। और हॉबी में क्या था उसका, आपको पता होगा? क्रिकेट। क्रिकेट, हाँ वो बचपन से क्रिकेट, मतलब क्रिकेट में भी बहुत अच्छा रहा है वो। स्कॉलर में जब भी कोई भी वो मतलब स्पोर्ट्स पर होता था, खेल उल में सब चीज में वो हर टाइम वो आगे फर्स्ट करता था बचपन से ही। आखिर में चलते चलते हम उनके खाला से एक बार बात कर लेंगे। जब आपके घर में वो तो बहमा नमाज में जाए होगा जी, तो खाला होते हैं जो सेकंड माँ होते हैं और उसके पास कुछ रिक्वेस्ट ज्यादा ही होता है, क्योंकि मम्मी के पास बोलने से थोड़ा डांट खाया जाता है। आपके घर में जाने के बाद क्या खाना पसंद करता था वो? हमेशा से उसको नॉनवेज बहुत पसंद था, मतलब बिरयानी, पुलाव, चिकन, ये सारा बहुत पसंद था। ऐसा नहीं था कि वो मतलब चूजी नहीं था, वो जो भी मिल जाए खा ले, लेकिन पसंदीदा खाना हमेशा नॉनवेज ही रहा है उसका जी। एज ए टीचर आखिर में हमारे जो दर्शक हैं उनको क्या वार्ता देंगे? बिल्कुल, प्रिंस एक इंस्पिरेशन है, एक रोल मॉडल है हमारे माइनॉरिटी बेल्ट के लिए खास करके। तो मैं तो यही कहूँगी कि मेहनत रंग लाती है, बच्चे ज़रूर मेहनत करें, एक टारगेट ज़रूर रखें, हाई टारगेट जब होगा तो ज़रूर फुलफिल होता है। तो टारगेट रखें, जैसे रब्बानी साहब हमेशा कहते हैं कि हमेशा टारगेट रखो आईपीएस आईएएस बनने का, तो ज़रूर वो रंग लाते हैं। मेहनत करें और डेडिकेशन के साथ करें। एक सवाल आपसे पूछेंगे जी, आप तो बेटी हैं,
कहते कहते गुआ बाड़ी जो है, लेकिन बहू है पिछले एक कहते हैं ब्लॉक का, ग्वालपुर का, वहाँ के बच्चों के हौसला अफजाई के लिए क्या कहेंगे आज? बिल्कुल, मैं ग्वालपुर के बच्चों से भी यही कहूँगी कि देखिए ऐसा नहीं है कि शुरू से ही एक है कि नहीं पढ़ना नहीं है, लड़कियों को पढ़ना नहीं है, बच्चों को भी पढ़ना नहीं है, क्योंकि हमारा वो एरिया बहुत पिछड़ा एरिया है, तो सब पेरेंट्स समझते हैं कि बच्चों को बस काम करना चाहिए, अर्निंग करना चाहिए, लेकिन हम कहते हैं कि हमेशा कि हमें पढ़ लिख के ही आगे बढ़ना है जी, एजुकेशन को आगे बढ़ाइए, बच्चों को पढ़ाइए जरूर, पेरेंट्स जब बच्चों को आगे करेंगे तभी बच्चे आगे बढ़ेंगे, तो पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को मौका जरूर दें और उनके आगे बढ़ाएं। और बच्चे मिनिस्टर साहब जब से रेस्पॉन्सिबिलिटी पाए हैं तो बच्चों के परवरिश का जिम्मेदारी खास करके एजुकेशन का आपके ऊपर में ज्यादा है, एज ए पेरेंट क्या कहेंगे पेरेंट्स को? मैं बस यही कहूंगी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि घर के जो बिल्कुल फादर जो होते हैं, घर के गार्जियन होते हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां भी बहुत होती हैं, लेकिन माँ सबसे बड़ा दर्शगाह जो होता है वो माँ का होता है, तो माँ को मेहनत करनी चाहिए बच्चों के पीछे और बच्चे ज़रूर आगे बढ़ते हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ एक खुशी के माहौल छाए हुए हैं और बहुत सारे मेहमान यहाँ मौजूद हैं और देख सकते हैं कि सब कोई यहाँ खुशी खुशी में मिठाई बांट रहे हैं, और साथ ही साथ आपको दिखा दें कि जो आप देख सकते हैं यहाँ का जो माहौल है एक मिडिल क्लास स्टेटस, थोड़ा हम बाहर दिखाने का कोशिश करेंगे, यहाँ से जो सिचुएशन माहौल है उस माहौल को यहाँ देख सकते हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं वो भी यहाँ हैं। आप क्या लगेंगे प्रिंस के? भाभी हैं हम। अच्छा, बड़ी भाभी होंगे। बड़ी भाभी हैं। बड़ी भाभी तो माँ का दर्जा होता है, तो उसका इस कामयाबी पे क्या कहेंगे आप? हम लोग बहुत बहुत खुशी हैं, खुशी बात देते हैं देवर जी को। अच्छा अच्छा, जो IAS पास किए। अच्छा, क्या चाहेंगे एज ए IAS ऑफिसर? जानते हैं बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी होता है, क्या क्या कहेंगे प्रिंस को? उत्तर को क्या सजेशन देंगे भाभी होने के नाते? वही तो, उत्तर दिनाजपुर में मेरा देवर जी एकदम रंग लाया है, बहुत ही मेहनत किया तो मेहनत का फल आज मिला है। आपका नाम? आयशा का नाम। आप देख सकते हैं यहाँ और भी बहुत सारे मेहमान हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, और यहाँ छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ जो है उसको भी ये खबर का जायजा लग गया है। आप देख सकते हैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली, आप हमारे भाऊजी लगेंगे, भाई लगेंगे। कैसा लग रहा है आज? आज खुशी का बात है। अच्छा अच्छा, क्या खाना पसंद करता था प्रिंस? क्या खाना पसंद करता था? भात, भात, अंडा पसंद, दाल पसंद है। दाल पसंद। अब तुम IAS बन गए, घर आने के बाद क्या पका के खिलाइएगा? क्या पकाएंगे? पहला बार क्या खिलाएगा? पहला बार अंडा खिलाएंगे, चावल खिलाएंगे। अंडा और चावल पसंद करता है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ सबको जो है प्रिंस को अंडा बहुत पसंद था, और यही बात सबको कह रहे हैं। हाँ, प्रिंस को अंडा बहुत पसंद था, क्या कहेंगे आप? अंडा पसंद, दाल पसंद है, उसके बाद बिरयानी। अच्छा, खेल में क्रिकेट है। मेरा अंकल है वो। अच्छा, अभी जो है उत्तर दिनाजपुर में टॉप किया है, और IAS नहीं हुआ है उत्तर दिनाजपुर में, और वह बंगाल में, और सोशिया में खास करके, और सोशिया में तो ऐसे बुरी नजर से देखता है, तो सोशिया में कुछ कर नहीं पाएगा, तो अभी ऊपर का आया है टाइगर। बोलते हैं क्रिकेट में आप उसका साथी रहे होंगे? हम छोटे थे, लेकिन हम लोग कोच करता था, वो हम लोग कोच करता था, सिखाता था, बताता था तरीका सब कैसे खेलता था। मिजाज बहुत ठंडा मिजाज का है। अच्छा, बहुत ठंडा गुस्सा हो जाना, क्योंकि अभी तो IAS हो गया है। नहीं, हम लोग यहाँ पर ये जो पूरा एरिया में कभी किसी पे गुस्सा नहीं किया, ना किसी से खराब बात किया। उसका जो लैंग्वेज बोलने का तरीका है, मतलब समझ लो किसी का भी दिल में बस जाएगा। अच्छा, आज तो IAS क्रैक किया है, लेकिन हम लोग का ये तो सुरजापुरी देहाती इलाका है, यहाँ सुरजापुरी बोला जाता है, तो वो किस लैंग्वेज में घर में बात करता था लोगों से? वो हिंदी में बात करता था सबसे जी। नहीं, हम लोग का हिंदी में ही बात करता था। अच्छा, साथ में हिंदी में बात करेंगे, देसी में नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा, बच्चा सबको सिखाता भी था, यहाँ पर हिंदी सिखाता था। पढ़ने में बहुत तेज था, छोटा में भी तेज था, डाइस में टॉप किया, डाइस में भी टॉप किया, उसके बाद। हाँ, आप क्या कहेंगे, क्या लगते हैं प्रिंस के? আমার মামা প্রিন্স। তোমার মামা প্রিন্স? হ্যাঁ, আমি খুবই খুশি হয়েছি। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ এটাই আর। আচ্ছা আচ্ছা, কি নাম তোমার? আফরিন নাজ। কি করো তুমি? আমি পড়ি। কোন ক্লাসে? 12 এ। কোথায়? চপরাজার স্কুলে।
চোপড়াজার স্কুলে ইসলামপুরে বাড়ি কোথায় এখানে প্রিন্স আমার মামা হ্যাঁ পাশেই বাড়ি হ্যাঁ এই বাড়িতেই থাকো নাকি অন্য বাড়িতে না অন্য বাড়িতে কি বলবে মামাকে এই মুহূর্তে মামাকে বহুত বহুত মোবারক হো মামা আর আমাকে बहुत खुशी हुई थी हमारा हुई थी बस हम देखते हैं पूरे परिवार के साथ वाले इस्लाम और साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं और अंत में हम एक बार आखिरी में हमारे जो सहप्रतिनिधि हैं राज को उसको क्लोजिंग देने के लिए कहेंगे इसका एक्सक्लूसिव हम कोशिश करेंगे आप तक पहुँचाने के लिए सीधा बात करने के लिए व्हेन प्रिंस विल बी अवेलेबल ओवर हियर वी विल हैव एन इंटरव्यू विद हिम टू गेट सम इंस्पिरेशन फॉर द एक्सपीरियंस फॉर द स्टूडेंट्स दोज आर अपकमिंग जनरेशन एंड हाउ टू क्रैक IAS IPS द कंट्री लेवल और यू कैन से एक स्टेट लेवल छोड़ के कंट्री लेवल का जो एक एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम को कैसे क्रिक करना है और इसी तरह से मैं राज को एक बार बुलाना चाहूँगा और अंत में जो कंक्लूशन से जो नए तरह से जुड़े और हमारे इस प्रतिवेदन के बारे में पूछ रहे हैं उनको एक बार मैं कोशिश करूँगा बिल्कुल सही जब्बारदा आपको बता दे जो हम भी जो हैं जो इस जर्नलिज्म से जुड़े हुए हैं आपको बता कुछ न्यूज ऐसी होती है जिसको आप लोगों के पास रख कर हम लोगों को भी खुशी मिलती है हम लोगों को भी आनंद मिलता है दिल से जो है सुकून मिलता है वास्तव में आज हम लोग मैं हूं जब्बारदा हो या मेरी पूरी टीम जो है हम लोगों की न्यूज़ टुडे की आज वास्तव में एक ऐसा न्यूज़ कर रहे हैं जिसको न्यूज़ करते वक्त जो है हम सभी की जो है मन की अंदर आत्मा जो है काफ़ी शांति मिल रही है एक ऐसा न्यूज़ कर रहे हैं जिसको जो पूरे उत्तर दिनाजपुर तथा दक्षिण दिनाजपुर साथ ही साथ बिहार पूर्णिया यह जो इलाका है ठाकुरगंज का पूरा सुरजापुरी इलाका है इसके लिए एक इंस्पिरेशन है एक जो है विश्वास है कि यह जो पिछड़ा हुआ इलाका है जो कि एजुकेशन की तौर पर ये ओर से जो है उत्तर दिनाजपुर हो दक्षिण दिनाजपुर हो या फिर किशनगंज हो यह सब जगह जो है एडुकेशन की ओर से जो है पिछड़ा हुआ है लेकिन आज एक ऐसा रिजल्ट सामने आया है एक ऐसा न्यूज आया है जिस जो हम सभी के लिए जो खास करके जो मिडिल क्लास फैमिली हो या फिर गरीब फैमिली है उन लोगों के लिए आज की यह जो खबर है काफ़ी बड़ी खबर है और अच्छी खबर है इंस्पिरेशनल खबर है कि ऐसा वास्तव में हो सकता है आपको बता दें यह जो न्यूज है यह सबसे बड़ी इसलिए है क्योंकि पहली बार जो है कोई IAS जो है डायरेक्ट क्वालिफाई किया है उत्तर दिनाजपुर या फिर दक्षिण दिनाजपुर दोनों जिला अगर मिला ले तो पहली बार कोई ऐसा स्टूडेंट है जो डायरेक्ट IAS क्वालिफाई किया है साथ ही साथ सबसे बड़ी जो बात है वह यह कि पूरे पश्चिम बंगाल में आप जानते हैं पूरे पश्चिम बंगाल में और UPSC का जो एग्जाम है यह आज से नहीं हो रहा है काफी दिनों से हो रहा है इंडिया का टॉप मोस्ट क्या सबसे जो है उच्च स्तर का एग्जाम होता है और इसमें जो है पूरे पश्चिम बंगाल में चौथी बार ऐसा हुआ है जो कोई मुस्लिम कम्युनिटी से कोई स्टूडेंट जो है डायरेक्ट क्वालिफाई किया है IAS के लिए साथ ही साथ बता दें किशनगंज डिस्ट्रिक्ट जो कि काफी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और डिस्ट्रिक्ट टाउन है और काफी डेवलप टाउन है उसके बावजूद जो है किशनगंज डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए या फिर जो है दक्षिण दिनाजपुर लीजिए किशनगंज डिस्ट्रिक्ट से भी कोई डायरेक्ट IAS आज तक नहीं क्वालिफाई किया है यह तो पूरे जो उत्तर बंगो का एक बड़ा एरिया है बिहार बंगाल मिलाकर यहाँ पर जो है यह सबसे इंस्पिरेशनल खबर है कि कोई डायरेक्ट क्वालिफाई किया है साथ ही साथ बता दें सीमांचल इलाके के लिए वास्तव में साथ ही साथ बता दें यह जो प्रिंस है जिसका निकनेम प्रिंस है वह प्रिंस का और एक खासियत जो इस रिजल्ट से इंस्पिरेशनल बात होती है कि उनका जो रैंक है वह पूरे भारतवर्ष में आप बता सकते हैं 130 करोड़ जनसंख्या है पूरे भारतवर्ष की 130 करोड़ जनसंख्या में जो है इस बार की जो UPSC एग्जाम हुआ है इसमें जो है उनका जो रैंक था वह 125 यानी कि पूरे भारतवर्ष में मिला दे तो यह उनका जो स्थान था 125वां स्थान था यानी कि सिर्फ 124 स्टूडेंट ही जो है पूरे भारतवर्ष में इस साल के एग्जाम में जो है उनसे थोड़ा आगे था बाकी जो है वह उनका जो रैंक है 125 था साथ ही साथ बता दें आपको आप देख सकते हैं आज के इस खबर को लेकर शाम से ही हम लोग देख रहे हैं कि विभिन्न जो आसपास के लोग हैं पूरे उत्तर दिनाजपुर जिले के करंदगी हो चाकुलिया हो ग्वालपुकुर इस्लामपुर चोपड़िया हर क्षेत्र से जो है साधारण व्यक्ति हो उनके आत्मीय हो पड़ोसी हो सभी जो हैं इस वक्त आ रहे हैं उनके घर में उनके जो माँ हैं उनसे मिल रहे हैं हम लोगों ने देखा जो मिठाइयाँ भी बांटी जा रही है तो यह काफ़ी बड़ी अच्छी खबर है और इस तरह का न्यूज़ करके वास्तव में जो है न्यूज़ टुडे की जो टीम है या फिर हम लोग जो हैं हम लोगों को जो है तब से दिलो आत्मा से शांति मिलती है इसी तरह की हर छोटी खबर छोटी बड़ी खबर हम लोग आशा करेंगे कि आगे की दिनों में जो है इस तरह की इंस्पिरेशनल खबर करने का हम लोगों को मौका मिले न्यूज़ टुडे के साथ जुड़े रहिए मेरे सह प्रतिनिधि जब्बार अली के साथ मैं राजस्थानी इस्लामपुर चौसिया से